अभिनंदन, कैसे हैं आप सब लोग? मजे में? अच्छा लग रहा है। आज इस वीडियो के सौजन्य से बड़ी छोटी सी जानकारी, लेकिन बड़ी काम की जानकारी आप लोगों तक पहुंचने वाली है। वो जानकारी यह है कि आप सब लोग खा रहे हैं आम, लेकिन आम की गुठली को फेंक देते हैं। जबकि गुठली, गुठली माने अंदर का जो बीज होता है, बीज ही तो काम का होता है। जैसे शरीर के अंदर वीर्य होता है ना, वीर्य को भी बीज बोला जाता है, वो काम का होता है। ऐसे ही आम की गुठली का जो बीज होता है बहुत मस्त होता है। चलिए उसका बताते हैं आपको लाभ, क्या क्या लाभ होते हैं और कैसे खाएं और कैसे बनाएं उसका चूर्ण। तो सर्वप्रथम आपके लिए आम की गुठली, पके आम की गुठली, आप उसको सुखा लो, ठीक है। और जब खूब सूख जाए, खटखट की आवाज़ आने लगे, उसके अंदर जो बीज है वो हिलने लगे ऐसे, है ना, बीज उसका अलग हो जाएगा, आवाज़ आएगा। और फिर उसके लिए, फिर उसको सुखाने के बाद में आप उसके लिए तोड़ो, और तोड़ने के बाद बीज अलग हो जाएगा। बीज भी एक गुठली जैसा ही अंदर का निकलता है, और वो अलग हो जाए तो करीब करीब 100 ग्राम होना चाहिए कम से कम, और ज़्यादा हो तो और अच्छा। तो इसके लिए आप चूर्ण बनाएंगे। इसमें क्या क्या मिलाएंगे? 100 ग्राम आम की गुठली का बीज सूखा हुआ, और इसमें मेथी 50 ग्राम, अजवाइन 25 ग्राम, और काला नमक 50 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम। इन सब का पाउडर बना लो, और पाउडर बनाने के बाद इसको रख लीजिए। और रखने के बाद यदि आप भोजन के बाद में इस चूर्ण को 4 ग्राम से लेकर 6 ग्राम की मात्रा में आधा गिलास गुनगुने पानी से फंकी लगा लेते हैं, ऊपर से कुछ 30-40 मिनट तक खाते नहीं हैं, तो निश्चित रूप से जिनको गैस बनता है, जिनको भूख प्यास नहीं लगता है, खाना खाने के बाद अफारा हो जाता है, उन सब में ये लाभ करेगा। साथ में जिनको अल्सराइटिक प्रॉब्लम है वो लोग भी इसको ले सकते हैं। लीवर में सूजन या जख्म कुछ भी है, या इनलार्जमेंट की शिकायत है, लीवर बढ़ रहा है, या जिनको तिल्ली की प्रॉब्लम है वो लोग भी इसको ले सकते हैं। जिसको लिया बोलते हैं वो भी ठीक हो जाता है। साथ में जिनके लिए जो है एसिडिटी इत्यादि बनता है वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जिन महिलाओं को पीरियड्स में कमी आती है, कमजोरी आती है, वो लोग भी इसी तरह दोनों समय भोजन के बाद में लें, तो पीरियड्स उनका मेंटेन होगा, खून की कमी दूर होगी। ये बड़ा मस्त चूर्ण है, एक बार जरूर खाइए, और फिर हमारे लिए व्हाट्सअप पे या फिर यूट्यूब पे किसी वीडियो में कमेंट्स करें। बड़ा मस्त है। इसका एक और उपाय है, दूसरा तरीके का एक प्रयोग यह है कि यदि इस की गुठली को आप, जो अंदर की होती है उसके लिए नहीं, जो बाहर का कोपड़ा होता है और अंदर जो बीज होता है, इन सबको आप भून लो कंडे की आग में, उपले की आग में भून लीजिए डाल करके, फिर निकाल के बीज को खाइए। फिर देखो बड़ा मस्त काम होता है। पानी पियोगे ऊपर से बड़ा मीठा मीठा पानी लगेगा, और इससे शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल और हृदय की कमजोरी, घबराहट इत्यादि सभी दूर होती हैं। दोनों तरह से आप खा सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आम की गुठली सूखने के बाद वो निकालो, उसको डायरेक्ट पीस लिया। पीसने के बाद उस पाउडर को आप यदि नींबू में मिला करके, नींबू के रस में मिला करके, इसी चूर्ण को, कच्चे आम की सूखी हुई गुठली का जो पाउडर है, यदि आप बालों में लगाते हैं नहाने से 1 घंटा पहले, चाहे तो इसमें थोड़ा आप आंवला पाउडर भी डाल सकते हैं। इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना करके आप लगाइए, फिर देखिए आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, रूसी दूर हो जाएगी। बस ये मत कहना गुरु जी आपके बाल झड़े हुए क्यों नहीं उगा रहे, ये मेरी क्या शादी करवाओगे आप बताइए, या मेरी तो इच्छा है नहीं कि किसे मैं शादी करूँ, किसी लड़की को फांसूँ, औरत को फांसूँ अपने बाल दिखा दिखा के। मैंने तो जानबूझ के बालों को गिराने वाले काम किए थे, बहुत घने थे, जैसे दाढ़ी घनी है ना, पीछे के बाल भी घने हैं, ऐसे ही है यहाँ पर था। कुछ तो हठयोग की क्रिया करने से गर्मी चढ़ गई दिमाग पर, हैं,
तो उसकी वजह से गिरने लगे। और कुछ जो है जानबूझ के कभी मिट्टी का तेल रगड़ लिया खोपड़ी में, बेवकूफ़ जैसा काम किया था। क्योंकि मैं क्या बताऊँ, हंसी आ रही, छोड़ो इन बातों को। तो इसका जो है आप इस तरह से पेस्ट बालों में लगाते हैं तो आपके लिए बालों की चमक बढ़ेगी, मुलायम रहेंगे, बाल झड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, अच्छा रहेगा। ठीक है, साथ में इस तरह का पेस्ट थोड़ी सी हल्दी और बढ़ा लीजिए। और अगर माताएं बहनें अगर अपने चेहरे पर लगाती हैं इस पेस्ट को, या अपनी छाती पे, स्तनों पे लगाती हैं, ब्रेस्ट पे लगाती हैं, तो वो त्वचा वहाँ की टाइट और स्ट्रांग हो जाएगी। अगर योनि पर थोप लिया तो योनि भी बड़ी आकर्षक और टाइट हो जाएगी। जरूर अजमाएं इन फार्मूलों के लिए, फिर देखो चमत्कार। एक और उपयोग विधि बता रहा हूँ बेटा। अगर आपने ये तलवे पे थोप लिया, क्या क्या थोप लिया, आम की गुठली का पाउडर, कच्ची गुठली सूखी हुई का पाउडर, ध्यान देना, उसमें थोड़ा हल्दी है ना, थोड़ा आंवला और नींबू के रस में, यदि आपने अपने पैर के तलवों में इस पेस्ट को थोप लिया तो निश्चित रूप से इनके तलवों में जलन होती है, आग निकलती है, और थोप के कम 2-3 घंटे तक रख के छोड़ दें। ठीक है, बड़ा मज़ेदार है। तो जो पैड लगाते हैं, बहुत सारी जगह चिकित्सा चल रही है, तो वो गंदगी को खींच लेता है। इसी तरह से ये आपका प्राकृतिक एक तलवों का पैड हो गया। आप इसे लगाएं, फायदा उठाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको लाभ मिले, भला हो। ओम शांति, ओम क्रांति।